हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बेहतर तरीके से बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आज की वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड UIIC की तरफ से। असिस्टेंट की पोस्ट की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है फ्रेंड्स। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम की पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, मतलब कंप्लीट डिटेल में मैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर वॉच करना। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, UIIC में असिस्टेंट रिक्रूटमेंट आई है आपकी। तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है UIIC। UIIC का पहले भी आपको बताया है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 300 सीट्स, मतलब 300 नंबर ऑफ सीट्स पे आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी वाइज सीट्स को ना कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 159 सीट्स, OBC के लिए है 55 सीट्स, EWS के लिए 30, SC के लिए भी 30 और ST के लिए 26। ओवरऑल आपका 300 सीट्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो सीट्स तो आपने समझ लिया। अब अप्लाई कब से कब तक होगा? तो आपका ये फॉर्म 18th ऑफ दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कल से ये फॉर्म। लास्ट डेट टू अप्लाई 8 जनवरी 2024 रहने वाला है। 8 जनवरी का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है, फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दो आप। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसका जो एग्जाम होगा ना, उसका डेट भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि आपका ये पेपर फरवरी 2024 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो फॉर्म अप्लाई करो आप, समय काफी कम बचा है। उसका जो मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर सेट वगैरह ढूंढो और उसको बनाना आप स्टार्ट कर दो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं फॉर्म अप्लाई करने में क्या फी लगेगी आपको। जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट से यहाँ पर चार्ज किए जाएंगे 1000 रुपीज, मतलब जनरल OBC EWS वाले 1000 रुपये आपको लगेगा फॉर्म अप्लाई करने में। SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप जो भी पर्सन है, उनके लिए यहाँ पर चार्जेस लगने वाले हैं 250 रुपीज फॉर्म की फ़ी। सो आई होप कि फॉर्म फी और जो मैंने ऊपर आपको बताया आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट आपका क्या रहेगा पहले जान लेते हैं, कब से कैलकुलेट होगा। तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 30 सितंबर 2023, मतलब 30 सितंबर 2023 के अनुसार मिनिमम एज 21 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स रहेगा। 21 से 30 साल के बीच के जो भी कैंडिडेट होंगे सब अप्लाई करेंगे। रही बात की क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसा रूल बनाया है, रिलैक्सेशन मिलेगा OBC को 3 इयर्स का और SC ST को मिल जाएगा 5 इयर्स का। चलिए आगे देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या डिमांड है। एजुकेशन सिंपल सा आपको है कि ग्रेजुएशन जिन्होंने भी कर रखा है इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो सभी इलिजिबल रहने वाले। डजंट मैटर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट हो, आपका परसेंटेज क्या है, पास हो आप तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे देख लेते कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होने वाली है। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर वन स्टेज, आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम देना है, साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। मतलब कि आप जैसे कि ओवरऑल इंडिया का यहाँ पर निकाल दिया गया है, तो किस स्टेट में कितना सीट है ये भी आपको देखना है, और क्या आपको उस स्टेट का क्षेत्रीय भाषा आता है। अगर आप गुजरात से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो क्या आपको गुजराती भाषा बोलनी आती है। महाराष्ट्र का अगर आपको मराठी लैंग्वेज आता है तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के साथ ही साथ आपका एक रीजनल लैंग्वेज का भी टेस्ट होता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये मेजर पार्ट है, आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। चलिए, जैसा आपको बताया कि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसका क्या पैटर्न होगा मैं अभी बता देती हूँ।
200 क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स, आपके मैक्सिमम मार्क्स 250 रहेगा, मतलब क्वेश्चन 200 है लेकिन मार्क्स 250 रहेगा। टाइम विल बी 120 मिनट्स, 2 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है। निगेटिव मार्किंग 1/4, विच मीन्स 0.25 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। चलिए सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस को कंबाइन करके 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल आप एग्जाम पैटर्न समझ गए हो कि 200 प्रश्न होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 250 रहेगा, समय 2 घंटा, निगेटिव मार्किंग 0.25 का, और सब्जेक्ट तो आपने देख ही लिया, पांचों सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब रही बात की एग्जाम क्लियर करोगे, उसके बाद आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, फिर जाके आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगी, और मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा ना मेनली इसके थ्रू होगा, ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो इसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, फिर सैलरी क्या मिलेगा। तो आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग की होती है ना, स्टार्टिंग में आपको 37,000 रुपये पर मंथ की सैलरी होती है। इसमें आगे आपको सैलरी इंक्रीज भी होगी हर साल, अच्छा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पर्स अलाउंसेस भी बहुत सारे होते हैं। तो 37,000 रुपये की सैलरी है, और बाकी सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अब रही बात की इसका नोटिफिकेशन आप कहाँ से देखोगे, क्योंकि और भी डिटेल में मैं, आप अगर खुद से नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पोस्ट कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर लेना। और मैंने जो आपको समझाया है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी कुछ डाउट्स वगैरह रह गए हो तो आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करते हुए जाना, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी फ्रेश न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।